हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब अच्छे हैं और अपने घरों में मन लगा के पढ़ रहे होंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही हमको पढ़ना भी चाहिए। बच्चों, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को कंप्लीट कर लिया है। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक को, तो मैंने पांच पार्ट बताए होंगे भाई। जो फर्स्ट फाइव यूनिट्स हैं ट्वेल्थ क्लास की, पहली जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज कहाँ पे होता है? तो रेस्ट पे, यानी कि हमें चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करनी होती है। कहाँ की? चार्ज एट रेस्ट की स्टडी करनी होती है। जो चार्ज रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने स्टडी भी कर ली थी। सेकेंड जो यूनिट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, यानी कि जब चार्ज मोशन में होता है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। फिर थर्ड यूनिट आती है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ऐसे ही फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट। भाई थर्ड यूनिट में हम करंट से मैग्नेट बनाएंगे और फोर्थ यूनिट में मैग्नेट से करंट बनाते हैं। फिफ्थ में क्या है, मैक्सवेल आता कहता कि भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी करंट और मैग्नेटिज्म एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो आज हम अपना नेक्स्ट स्टेप यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि जब चार्ज मोशन में होता है तो क्या बनता है? करंट, यानी करंट क्या होता है? अगर हम करंट की डेफिनेशन देना चाहिए, जैसे जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना स्टार्ट किया था, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन देखी थी। ऐसे ही जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो करंट क्या होता है, इसी की डेफिनेशन देखेंगे। तो करंट का मतलब जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, इज नोन एज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पीड। क्या होता है? स्पीड। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो करने की स्पीड क्या कहलाता है? करंट। क्या कहलाता है? करंट। ये हम 10th क्लास में पढ़ा। चार्ज के फ्लो करने की स्पीड क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय आई। और जो इसकी एसआई यूनिट है वो क्या है बच्चों? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। क्या है इसकी एसआई यूनिट? क्या है बच्चों? एसआई यूनिट। तो आई क्या हो गया? आई हो गया चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि क्यू बाय टी। आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी क्यू बाय टी, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। एंड टाइम की सेकंड। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। एंड टाइम की सेकंड। तो एम्पियर, एक एम्पियर किसके बराबर हो जाएगा? एक एम्पियर 1 कूलम बाय 1 सेकंड। अगर हमें एक एम्पियर की डेफिनेशन देनी हो, अगर हमें एक एम्पियर कितनी क्वांटिटी होती है करंट की, अगर हमें ये देखना हो तो क्या बना बच्चों? एक सेकंड में एक वायर है, जब एक सेकंड में एक वायर में से एक कूलम चार्ज फ्लो कर जाए, यानी कितना कूलम? एक कूलम चार्ज जब एक सेकंड के लिए फ्लो करता है, एक सेकंड में फ्लो कर जाए तो हम क्या बोलेंगे? कितना करंट फ्लो कर गया? एक एम्पियर। कितना? एक एम्पियर करंट फ्लो कर चुका है, एक एम्पियर करंट फ्लो कर चुका है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। एंड ये करंट क्या होता है? उसकी यूनिट और एम्पियर की यूनिट। एम्पियर किसके बराबर होगा? अब क्वेश्चन है बच्चों, क्या हाउ करंट मेंटेन कैसे होता है? देखिए बच्चों, करंट एक चीज समझिए कि भाई हमने करंट फ्लो करवा दिया एक वायर में से हमने करंट फ्लो करवा दिया। अगर हमने एक वायर में से करंट तो फ्लो करवा दिया, क्या वो ऐसा हो कि भाई जैसे अभी इस कमरे में रोशनी यहां पर दिखाई दे रही है, भाई करंट आया, बल्ब ऑन किया, उसके बाद करंट चला गया, क्या इसका कोई फायदा है?
बल्ब ऑन हुआ उसके बाद ऑन ही नहीं हो रहा, मतलब करंट एक बार तो आया और उसके बाद ऑन नहीं हो रहा, मतलब करंट बार बार नहीं आ रहा, करंट कंटिन्यूस नहीं आ रहा, करंट कंटिन्यूस नहीं आ रहा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मेंटेन, मेंटेन का मतलब होता है सुचारू, सुचारू रूप से। मेंटेन का मतलब क्या होता है, सुचारू रूप से। कैसे, एक बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आता है, सेकंड क्लास में फर्स्ट आता है, थर्ड क्लास में भी फर्स्ट आता है, फोर्थ में फर्स्ट, फिफ्थ में फर्स्ट, लेकिन सिक्स्थ क्लास में सेकंड आ गया, यानी कि वो अपनी फर्स्ट पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पा रहा, सुचारू रूप से नहीं लेके चल रहा। तो मेंटेन का मतलब क्या होता है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो करता रहे, फ्लो करता रहे बार बार, ऐसा ना हो कि वो लाइट आगे चली गई, आगे चली गई, आगे चली गई, भाई करंट मेंटेन नहीं है। तो ऐसा कौन सा सिस्टम बनेगा, ऐसा क्या है जो करंट को मेंटेन करता है, करंट को चलाए रखता है, करंट को चलाए रखता है, और करंट वजह, करंट की वजह, हाउ करंट मेंटेन एंटिटी, मतलब कि करंट को चलाने के लिए वजह क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो करंट को फ्लो करवाती है, करंट को चलाती है, यानी कि चार्ज को फ्लो करती है, चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा। आइए बच्चों इसका आंसर देखते हैं, हाउ करंट मेंटेन, यानी करंट कैसे फ्लो करता है। देखिए बच्चों एक वर्ड समझिए, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस क्या होता है। देखिए बच्चों अगर मैं क्या करूं, एक ड्रॉप ले लूं, पानी की एक ड्रॉप ले लूं, उसको अपने हाथ पर रख दूं, जैसे हाथ पर रखूंगा और मैंने अपने हाथ को बिल्कुल फ्लैट कर रखा है, बिल्कुल फ्लैट सीधा, पानी की ड्रॉप ना तो इस तरफ जाएगी ना इस तरफ जाएगी, यानी कि पानी की ड्रॉप फ्लो नहीं करेगी, पानी की ड्रॉप फ्लो नहीं करेगी। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अपने हाथ को थोड़ा सा बेंड करना स्टार्ट कर दो, यहाँ से तो ऊंचा कर दिया, यहाँ से नीचा, तो पानी की ड्रॉप नीचे की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगी, यानी कि पानी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, पानी फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, जैसे पानी रिवर्स के अंदर फ्लो करता है, पानी का फ्लो करना, जैसे नदियों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, जब पानी नदियों के अंदर फ्लो कर रहा होता है उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर इज नोन एज वाटर करंट, इज नोन एज वाटर करंट। बच्चों और जब पानी फ्लो करता है तो यहाँ पे वापसी आएंगे, जब पानी फ्लो करता है, पानी फ्लो कब किया, ये ऊंचा ये नीचा, आमतौर पे हम क्या समझते हैं कि ऊंचाई से नीचाई, बिल्कुल सच्चाई बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है, परफेक्ट बात है कि ऊंचाई से नीचाई की तरफ पानी फ्लो करेगा, लेकिन उसकी भी वजह क्या होती है, अगर थोड़ा डीपली हल्की फुल्की बात करें, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा यहाँ पे, प्रेशर कम यहाँ पे, प्रेशर ज्यादा यहाँ पे, प्रेशर कम, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी जो पानी है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो कर रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि जो वाटर करंट होता है, जो वाटर करंट है, वाटर करंट कब बनता है, जब प्रेशर डिफरेंस हो, क्या हो, प्रेशर डिफरेंस हो, कहीं पे तो प्रेशर ज्यादा हो, पानी की जैसे एक ट्यूब है, ट्यूब में पानी भर लो, उसको आप बिल्कुल पानी भर के रख दो, बिल्कुल सीधा करके रख दो ट्यूब को, पानी ना तो इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, लेकिन अगर हम ट्यूब को थोड़ा ऐसे कर दें तो पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वाटर करंट बना। अब ये वाटर करंट कैसे बनता है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा यहाँ पे प्रेशर कम, और वाटर क्या है, वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, फ्लो, वाटर करंट बनेगा, यानी कि फ्लो ऑफ वाटर इज नॉन वाटर करंट। और वाटर करंट कब बनता है, यानी कि वाटर करंट कब बनता है बच्चों, जब प्रेशर डिफरेंस होता है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है। बच्चों हमने यहाँ पे कोई वाटर करंट की डीप नॉलेज नहीं लेनी, हमने कोई इसको तो जस्ट हमने एक एग्जांपल के तौर पे लेना था। कैसे, सपोज करो बच्चों हमारे पास एक वायर, क्या है बच्चों वायर, हमने तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, हमने तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, हमारे पास एक वायर है, ये इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन है, आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि कोई भी वायर है वो एटम से मिलकर बनती है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, इन इस वायर में क्या होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, क्लियर बने बच्चों, ठीक है, यानी कुल मिला के इस वायर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चार्ज है, कुछ ना कुछ चार्ज है, हम ये मानते हैं कुछ ना कुछ चार्ज है, कुछ ना कुछ चार्ज है, इतनी बात आपको बच्चों समझ में आ गई होगी, क्लियर पॉइंट बच्चों। अब ये चार्ज है, अगर रेस्ट पे है, अगर रेस्ट पे है तो हमने फर्स्ट यूनिट में स्टडी कर ली, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या होता है, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, तो हम ये फर्स्ट यूनिट पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन
सेकेंड यूनिट में क्या होगा, चार्ज का मोशन। यहाँ पे तो चार्ज मोशन में आ जाएंगे, तो हमको जैसे पानी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रेशर डिफरेंस रखना पड़ा था, ऐसे चार्ज को चलाने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रेशर रखना पड़ेगा, और उस प्रेशर का नाम क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम होता होता बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे हम किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी को चलाने के लिए प्रेशर डिफरेंस, चार्ज को चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, हमें V1 ग्रेटर देन V2 रखना पड़ेगा, या उल्टा कर दो V2 ग्रेटर देन V1। क्लियर पॉइंट बच्चों, जहां का पोटेंशियल ज्यादा, अगर ये पोटेंशियल ज्यादा है, अगर वो वाला पोटेंशियल कम है, तो चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, चार्ज किस तरफ जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जब चार्ज मूव करना करता है, तो आपको पता है बच्चों करंट बनता है, उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, मतलब करंट प्रोड्यूस, सॉरी क्या होता है बच्चों, करंट प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन ये है बच्चों, करंट कब तक प्रोड्यूस होता रहेगा। मैंने बोला लाइट आई और चली जाए, मतलब करंट एक बार तो बन जाए, एक बार तो बन गया, उसके बाद करंट बनना ही बंद कर दे, तो कैसे लगातार करंट कब बनता है, कैसे बनता है, देखिए बच्चों, और करंट को मेंटेन कैसे करता है। हमारे पास दो स्फीयर है, एक का पोटेंशियल V1, एक का पोटेंशियल V2, इसकी वैल्यू कितनी है 60, और इसकी वैल्यू कितनी है 10, ये 60 वोल्ट पे है, वो 10 वोल्ट पे है। हमने क्या किया, हमने एक बीच में बल्ब लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों, बल्ब लगा दिया। हमने क्या लिखा, पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है 60 और 10। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का बच्चों, 50 का। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 50 का है, तो चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, चार्ज मोशन में आएगा, चार्ज मोशन में आएगा क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो बल्ब क्या करेगा, ग्लो, क्या करेगा, ग्लो। यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिला, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या मिला बच्चों, करंट और बल्ब का क्या निकला, क्या क्या निकला। अब आगे थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, जो चार्ज है वो इस तरफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, क्योंकि 10 उस तरफ सरक गया। और अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया 30, यानी कि कुछ ना कुछ कम हो गया। यानी कि अगर पानी की पाइप, अगर एक तो ऐसे कर लें, ये हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो पानी की जितनी स्पीड आ रही है, पानी की जितनी स्पीड आ रही है, क्या उतनी ही स्पीड आएगी जब हम थोड़ा सा उसको ऐसे कर दें। यानी कि यहाँ पे प्रेशर घटेगा, होगा, यहाँ पे प्रेशर कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे प्रेशर लो ही है, लेकिन जो प्रेशर यहाँ पे था, क्या वही प्रेशर यहाँ पे होगा, कम हो जाएगा, और स्पीड भी पानी की कम हो जाएगी, यानी कि वाटर फ्लो भी कम होगा, वाटर फ्लो होगा लेकिन कम हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे तो वाटर फ्लो नहीं होगा। यहाँ हमने क्या किया, पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 50, अब कितना हो गया 30, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। करंट अभी भी फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, लेकिन जो ग्लोनेस है ना, कम हो जाएगी, क्योंकि करंट भी कम हो जाएगा, करंट भी कम, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, तो करंट भी डिक्रीज, ग्लोनेस भी डिक्रीज। थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, मतलब क्या आ जाएगा, लेवल, बिल्कुल लेवल आ गया। अगर पाइप का एक लेवल आ जाए, तो क्या पानी फ्लो करेगा किसी तरफ, नहीं करेगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा जीरो, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, करंट को मेंटेन करने के लिए क्या हमारी वीडियो सही चल रही है, एक बार ये देख लेते हैं बच्चों। बिल्कुल बच्चों, हमारी वीडियो बहुत अच्छी चल रही है, एक बार देखना पड़ता है, कई बार कैमरा बंद हो जाता है ऑटोमेटिक। तो करंट को मेंटेन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट अच्छे से चलेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है बच्चों, तो करंट भी नहीं चलेगा। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर सर्किट ही कंप्लीट नहीं है तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। मान लिया एक वायर है भाई, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, एक वायर है, हम यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे लेके आए, एक वायर को ऐसे ऐसे करके ऐसे, मैंने वायर को यहाँ से कट कर दिया, मैंने वायर को बीच से काट दिया, जो वायर बल्ब तक पहुंच रही थी मैंने उसको काट दिया।
क्या बल्ब ग्रो करेगा? अगर सर्किट टूट गया बच्चों, वायर कैसे ब्रेक हो गई, तो आपको ये पता है करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि करंट को मेंटेन करने के लिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, सर्किट भी कंप्लीट होना चाहिए, सर्किट कंप्लीट होना ही चाहिए। यानी कि आपको ये दो पॉइंट समझने आ गए होंगे बच्चों, मैं इस पॉइंट पर जा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ बल्ब। बच्चों करंट तो वैसे ना हम फोर्थ यूनिट में देखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट भी होता है, स्टेडी करंट भी होता है, लेकिन हम फोर्थ यूनिट वाले करंट की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। हम जो इस यूनिट में करंट यूज होने जा रहा है वो दो टाइप का है, एक होता है कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक क्या होता है बच्चों, कन्वेंशनल करंट, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, एक ऐसा करंट जो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करे, कन्वेंशनल करंट जो किससे किस तरफ हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव सर्किट के अंदर। मान लिया बच्चों जैसे ये हमारी बैटरी लगी हुई है, ये कोई कनेक्टर है, हालांकि ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, मान लिया कोई कनेक्टर है, बल्ब वगैरह समथिंग कुछ भी यहाँ पे। तो क्या होगा बच्चों, जो कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट किस तरफ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट, यानी कि परंपरागत तरीके से जो चलता आ रहा है, जो परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है, यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह पूर्वज वगैरह लेते आ रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक होता है बच्चों नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बच्चों कन्वेंशनल करंट, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। हमें कौन सा यूज करना है, हमें कन्वेंशनल करंट यूज करना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला ही यूज करना है कन्वेंशनल करंट। अगर इन दोनों का रिलेशन देखें तो क्या है, अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे क्या है अपोजिट, एक दूसरे क्या है अपोजिट, अपोजिट फ्लो करते हैं, एक किस तरफ फ्लो करेगा तो एक किस तरफ फ्लो करेगा, और हमें सर्किट में कौन सा यूज करना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों चार्ज कैरियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, चार्ज कैरियर। ये चार्ज कैरियर क्या होता है बच्चों, चार्ज कैरियर होता है, चार्ज कैरियर क्या होता है बच्चों, विच आर रिस्पॉन्सिबल, चार्ज कैरियर आर दोस, इसकी डेफिनेशन ही देता हूं मैं, आर दोस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट, जो करंट के लिए जिम्मेदार है। आपने किसी अपने घर किसी मेंबर को चीनी लेने के लिए भेजा, सपोज के चीनी लेने के लिए भेज दिया, अब दुकानदार ने जो चीनी डाल के दे दी, लेकिन क्या था वो थैली थोड़ी सी फटी हुई थी, क्रैक थी कहने वाले से फटी हुई मतलब, तो वो बंदा उस बंदे ने भी उसको गौर नहीं किया और दुकानदार ने भी गौर नहीं किया, रास्ते में जब थोड़ा सा वेट हल्का हुआ तो भाई लेके आने वाले को लगा कि कुछ ना कुछ, पहले तो वेट ज़्यादा था लेकिन अब थोड़ा कम हो गया, यानी कि चीनी रास्ते में गिरती आ रही थी उसको पता नहीं चला। लेकिन उस चीनी के लिए जिम्मेदार कौन है, उस चीनी के लिए जिम्मेदार होगा जो उसको लेके आ रहा है, कैरी करके लेके आ रहा है, लेके आ रहा है, यानी कि जिम्मेदार होना, यानी कि चार्ज कैरियर क्या होता है, करंट के लिए कौन जिम्मेदार है, जो भी करंट के लिए जिम्मेदार होगा, करंट बनाने के लिए, जो भी करंट बनाने के लिए जिम्मेदार होगा क्या कहलाएगा, चार्ज कैरियर। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल अब हम मेटल्स की बात करते हैं, मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर्स, क्या होते हैं, चार्ज कैरियर। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर में होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, यानी कि मेटल के अंदर जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट बनाते हैं। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स,
यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स की मोशन की वजह से क्या होता है, सेमीकंडक्टर में करंट होता है। मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड किसमें होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। सुपर कनेक्टर में क्या होते हैं, सुपर कनेक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, सुपर कनेक्टर में क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गैसेस में क्या होते हैं फ्री आयंस, क्या होते हैं आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है, आयंस वगैरह होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल्स, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सुपर कनेक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सुपर कनेक्टर में बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर पॉइंट बच्चों, आई थिंक आपको ये चार थ्योरी भी समझ में आ गया होगा। चार्ज करंट हमेशा, यानी कि चार्ज मतलब किस तरफ फ्लो करता है, करंट हमेशा या फिर चार्ज हमेशा किस तरफ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल टू, पॉजिटिव टर्मिनल टू। यानी कि अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें, कन्वेंशनल करंट की, तो किससे किस तरफ होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि हाई टू लो, हाई पोटेंशियल टू लो। देखिए बच्चों, अगर कोई सर्किट है, सर्किट में ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला क्या माना जाता है, हाई पोटेंशियल, क्या माना जाता है, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल, नेगेटिव वाला लो पोटेंशियल। एक बार फिर से कैमरा चेक कर लेते हैं बच्चों, कैमरा ठीक चल रहा है, प्ले पॉइंट बच्चों यहाँ तक आई थिंक आपको ये समझ में आगे होंगे सारी बातें। क्या हम एक बार इंक डाल लें, इंक थोड़ी सी मार्कर्स के अंदर कम हो चुका है, सबसे पहले बच्चों इन द अब्सेंस ऑफ, देखें एक बार, इन द अब्सेंस ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब ना होता, मान लीजिए बच्चों ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, ठीक है, हम एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने वाले हैं इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तो क्या है बच्चों, जब एक ये कोई वायर है तो वायर में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट बच्चों, यहां पे हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो है तो मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो, एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो देखा जाए बच्चों, एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, दो कंडीशन बन जाती है, या तो बॉडी रेस्ट पे हो या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, या तो बॉडी रेस्ट पे हो या बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही हो, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। यहां पे देखते हैं बच्चों, एक पॉइंट सुनिए अच्छे वाला, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो सीधी सी बात यह है, इस इलेक्ट्रॉन पे कोई बाहरी तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा,
तो सीधी सी बात ये है कि जो इसकी मोशन होगी, इसकी मोशन कैसी होगी? मोशन जिगजैग, जिगजैग जो इसकी मोशन होगी बच्चों, जिगजैग। और जो इसका पाथ होगा, पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट। कैसा होगा? स्ट्रेट, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट जाने वाला है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाएगा कैसे जाएगा? स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। इसको यहां पे स्ट्राइक करनी है तो स्ट्रेट, वापसी नीचे आया टकरा के स्ट्रेट, इस तरफ गया स्ट्रेट, यानी कि हर बार किस तरफ जाएगा? स्ट्रेट। दूसरी बात यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो मोशन में है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमको तो साफ सी बात ये लगेगा कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसको फोर्स मिल रही है, इसलिए मोशन में है। तो सोच के देखो बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रॉन को कौन सी फोर्स मिल रही है, कौन सी एनर्जी की वजह से ये मोशन में, कौन सी एनर्जी की वजह से मोशन में। मोशन कैसा है? जिगजैग। और पाथ कैसा है? स्ट्रेट। स्ट्रेट जाएगा, जिस तरफ जाएगा स्ट्रेट जाएगा। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी बोर्ड में ये एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है मोशन के लिए, उसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। क्या होती है बच्चों? थर्मल एनर्जी। इस थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, रूम, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं भाई, स्विच के अंदर वायर को लगा ही नहीं रखा, तब भी इलेक्ट्रॉन मोशन में है, कैसे? तो रूम टेम्परेचर की एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो रूम टेम्परेचर की एनर्जी को ऑब्जर्व करके मोशन में आ रहा है। और जो थर्मल एनर्जी होती है, उसकी वजह से उसके पास क्या होती है? थर्मल स्पीड। क्या होती है बच्चों? थर्मल स्पीड। और वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 10^5 मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिए बच्चों इस बात को, यानी कि रूम टेम्परेचर पे जो वेलोसिटी है वो है कौन सी? थर्मल स्पीड। और वो वजह क्या है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, और जो रूम टेम्परेचर स्पीड होगी 1,00,000 मीटर पर सेकेंड होगी। 1,00,000 मीटर पर सेकेंड, आई थिंक बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल स्पीड होती है 1,00,000 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? अगर एक वायर के अंदर इतनी सी वायर में कोई इलेक्ट्रॉन 1,00,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा, ध्यान से सोचो, ये कमरा ले लो, इस कमरे में जहां पे मैं खड़ा हूं, ये कोई बड़ा कमरा नहीं है, छोटा सा कमरा है, अगर यहां पे मैं 1,00,000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इस कमरे में भाग रहा हूं, तो इसी पोजीशन पे जहां मैं खड़ा हुआ है, मैं यहां पे कितनी बार आऊंगा? अगर मैं इसी कमरे में 1,00,000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग रहा हूं, तो इस पोजीशन पे मैं कितनी बार आऊंगा? मैं बहुत बार, कहने का मतलब ये, मैं बहुत बार इसी पोजिशन पे आ जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है? मेरा हर बार जो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। हर बार डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जीरो अपॉन टाइम जीरो, यानी कि जो मेरी एवरेज वेलोसिटी बोल रही है, वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? जीरो। ये वेलोसिटी मैंने किसकी बताई? इलेक्ट्रॉन की। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। यानी कि जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन द अब्सेंस ऑफ, अनुपस्थिति में, इन द अब्सेंस ऑफ, अनुपस्थिति में किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में कितनी वेलोसिटी होती है बच्चों? जीरो। जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी। क्लियर पॉइंट बच्चों? अगर ये सोच के देखो बच्चों, यहां पे अगर कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों? चार्ज है। अगर एक चार्ज 1,00,000 मीटर पर सेकंड के हिसाब से भाग गए, तो कितना करंट लगना चाहिए हमें, सोच के देखिए। लेकिन फिर भी हमें कोई वायर, जैसे कटी हुई वायर, यहां से कटा, यहां से कटा, जैसे एक नॉर्मल वायर है, मैंने हाथ एक वायर का टुकड़ा हाथ में रखा है, एक वायर का टुकड़ा हाथ में ले रखा, तो कोई करंट लगता है? हमें कोई करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है उस इलेक्ट्रॉन का, और वेलोसिटी जीरो होती है, वेलोसिटी जीरो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की अनुपस्थिति में। लेकिन बच्चों अगर हम यही क्या कर दें, हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, कर दें हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में क्या होगा? हमने फिर से
एक बार ले ली, उसमें इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। देखिए बच्चों, वैसे तो जो बैटरी होती है पॉजिटिव इस तरफ आता है नेगेटिव इस तरफ, लेकिन समझाने के लिए जस्ट हमने नेगेटिव तरफ पढ़ लिया। देखिए बच्चों, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये किस तरफ जा रहा था? स्ट्रेट। कैसे जा रहा था? स्ट्रेट। लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज करेगा, रिपेल। क्या करेगा? रिपेल, यानी कि स्ट्रेट ना जाके ये क्या हो जाएगा, कर्व, सर्कुलर पाथ। ये स्ट्रेट ना जाके कैसा हो जाएगा, सर्कुलर पाथ, क्योंकि आपके पास कोई धक्का मारने वाला है, कोई लात मारने वाला है। क्या हमारा कैमरा सही काम कर रहा है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर पॉइंट बच्चों, यहां तक ये जो इलेक्ट्रॉन है कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, कर्व, कैसे जाएगा, कर्व, स्ट्रेट नहीं जाएगा, स्ट्रेट नहीं जाएगा। आज मेरे फोन की जो बैटरी है बच्चों, वो थोड़ी सी लो हो चुकी है, इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ, इंप्रूवमेंट है। इलेक्ट्रॉन कर्व पाथ, यानी कि इस बार क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी जीरो नहीं होगी, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो वेलोसिटी भी जीरो यहाँ पे नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो यहाँ पे नहीं होगी। हम अभी बार क्या निकालनी है, वेलोसिटी, यहाँ पे क्या थर्मल एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी, थर्मल एनर्जी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ थर्मल स्पीड भी होगी और इलेक्ट्रिक स्पीड भी होगी कुछ ना कुछ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन बोल लो आप, और एक्सेलरेशन बोलते वेलोसिटी भी होगी, यानी कि आपकी बार दोनों चीजें होंगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से भी और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा। जो पाथ होगा आपकी, जो पाथ कैसा होगा, कर्व, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में पाथ कैसा होता है बच्चों, कर्व, कैसा होता है, कर्व। देखिए बच्चों, क्लियर पॉइंट, यहां तक आपको चीज पूछनी हो, अगर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखें, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए बी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए बी, हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यू वन प्लस एटी वन, यू वन प्लस एटी वन, ऐसे ही सेकेंड वन इलेक्ट्रॉन की यू टू प्लस एटी टू, एंड वी एन यू एन प्लस एटी एन। ये क्या आ गई, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी आ गई, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमने निकाल ली। अब हम क्या लेने वाले हैं, अब हम लेने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी, क्या लेंगे बच्चों, एवरेज वेलोसिटी, यानी कि वी वन प्लस वी टू प्लस वी एन बाय एवरेज। कैसे निकालते हैं वेलोसिटी का, सब वेलोसिटी का एडिशन बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन। अगर हम ये सारी वैल्यू वहां पर रख दें, एवरेज वेलोसिटी वी वन की वैल्यू यू वन प्लस एटी वन, यू टू प्लस एटी टू, एंड सो ऑन बाय एन, यानी कि यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन बाय एन प्लस ए कॉमन, ए कॉमन, टी वन प्लस टी टू प्लस टी एन बाय एन, टी एन बाय एन। आई थिंक बच्चों आपको ये टॉपिक सारा समझ आ रहा है यहां तक। इनिशियल वेलोसिटी यू फोर, इनिशियल वेलोसिटी, हर इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, कितना हो जाएगा जीरो ए। ये क्या बन गया, एवरेज टाइम, क्या बन गया ये, एवरेज टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, क्या बोल दिया बच्चे इसको, रिलैक्सेशन टाइम। तो इसी एवरेज वेलोसिटी क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ए। तो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी उपस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक एल कैसे निकालें, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू क्यों भी फोर्स का फॉर्मूला, एफ इक्वल टू एम ए एंड एफ इक्वल टू क्यों भी। अच्छा चार्ज कौन सा बताओ, चार्ज इलेक्ट्रॉन, यानी कि एम ए इक्वल टू क्यों भी, ए कितना आ गया क्यों भी बाय एम, क्यों भी बाय पुट कर दें यहाँ पे, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों क्यू ई बाय एम, तो
बच्चों जो भी आगे का शेड्यूल होगा आप फोन करके पूछ लीजिएगा, आपको नंबर स्क्रीन पे मिल जाते हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।